मुंबई से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर से लॉरेंस के नाम की धमकी मिली है। पुलिस ने जानकारी दी है कि मुंबई पुलिस की ट्रैफिक कंट्रोल को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी भरे मैसेज मिले हैं। पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल रूम को भेजे गए मैसेजेस में भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का भाई बताया और कहा कि अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें हमारे मंदिर में जाकर माफी मांगनी चाहिए या 5 करोड़ रुपए दे देने चाहिए। ऐसा ना करने पर जान से मार देंगे, हमारी गैंग आज भी सक्रिय। दीपेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अब दीपेश, इसका लिंक जुड़ पाया है कि कहां से ये मैसेज आया है या फिर वाकई ये मैसेज ऑथेंटिक है, लॉरेंस गैंग की तरफ से है या किसी अवांछित तत्व की तरफ से शैतानी की गई है? नेहा देखिए, कल देर रात को मुंबई ट्रैफिक पुलिस का जो ऑफिशियल चैनल है, जिस लोगों के लिए जिसे मुहैया कराया गया है, उस पर यह मैसेज आया था। जो रात को कर्मचारी उस समय ड्यूटी पर थे, उन्होंने ये मैसेज पढ़ा जिसमें लिखा था कि सलमान खान माफी मांगे, हमारा जो मंदिर है राजस्थान में जाकर वहां पर या तो 5 करोड़ दे, और लॉरेंस बिश्नोई के भाई की तरफ से यह मैसेज भेजा गया है, ऐसा उसमें लिखा गया था। वर्ली पुलिस ने इस मामले में संदर्भ में आगे की जांच शुरू कर दी है, मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस अब तक इस पे किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन पुलिस इस मैसेज को जो है वो सीरियसली ले रही है। भले ही ये पहले जो मैसेज आए थे वो भी हॉक्स मैसेज थे, फेक मैसेज थे, लेकिन पुलिस किसी भी तरह की कोताही नहीं बरत रही है, इस मैसेज को सीरियसली ले रही है और इस मामले की जाँच जो है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।